हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, मैं आज मेरे किचन में बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए बिल्कुल स्पॉन्जी फूले फूले मार्केट स्टाइल दही भल्ले बिना सोडे के। मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूंगी, नेचुरल तरीके से हम इसे उठाएंगे और बिल्कुल फूले फूले से बनेंगे। चलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, बड़े ही मजेदार लगते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गया है मुझे इसे फेंटते हुए। यहाँ पर हमें डालना है इसमें नमक, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है इसमें। और देखिए, यहाँ पर मेरे पास है पिसी हरी मिर्च और अदरक, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधे चम्मच से कम अदरक और आधा चम्मच हरी मिर्च। अच्छा, अगर आपके पास ये पिसा नहीं है तो जब आप दाल पीसेंगे उस टाइम पे आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, एक या दो हरी मिर्च ले लीजिए, साथ में पीस लीजिए। बाकी ऊपर से तो हमें मसाले डालने हैं, अगर आप ज्यादा तीखा चाहते हैं तो हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा पीस लीजिए, इसका काफी अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं यूज किया है, हम इसे ऐसे ही अच्छे से फूले फूले दही भल्ले बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं दाल हमारी अच्छे से फूल गई है, उठी है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिया कटोरी में पानी, थोड़ा सा लेंगे दाल का बैटर, उसे इसमें डिप कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, जो दाल थी वो बिल्कुल ऊपर आ गई है, मतलब ये है कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से रेडी है भल्लों के लिए। तो चलिए इसे फटाफट से फ्राई करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को है मीडियम रखेंगे। चलिए, इसमें हम भल्लों को डालना शुरू करते हैं। देखिए, दाल हमारी इतने अच्छे से उड़ गई है कि ऑयल में डालते ही ये ऊपर आ जा रही है और कितने मजे से स्विम कर रही है इसमें। ये देखिए, भल्ले चले गए इसमें। अब इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम रखिए। हाई फ्लेम में क्या होता है, ऊपर से लेयर तो बहुत अच्छी ब्राउन आ जाती है बट वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, फूलते भी नहीं है। इसलिए एक ये सीक्रेट है कि आप कभी भी दही भल्ले या दही बड़े बना रहे हो तो उसे मीडियम फ्लेम में बहुत अच्छे से ब्राउन करिए ताकि वो अंदर तक पूरे पक जाए। तो दही में जाकर बहुत ही फूले फूले एकदम हुई जैसे बनते हैं। तो चलिए, देखिए ये हमारे जो है ब्राउन हो रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ देखिए कुछ तो अपने आप ही पलट रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है पलटने की। चलिए, यहाँ पर एक साइड से हो गए हैं और मल्लों को पलट कर दूसरी साइड से भी ऐसे ही करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है दोनों साइड। तो चलिए, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी भल्ले थे सबको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है और मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अंदर से देखिए कितने जालीदार बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है पानी, तो ये जो हमारे भल्ले हैं वो जाएंगे पानी में ताकि ये और फूल जाए, बिल्कुल भूई जैसे सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल मार्केट जैसा स्टाइल, मार्केट जैसा टेस्ट। सारे भल्ले चले गए हैं पानी में, इन्हें हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे। और इसे इस तरह से ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें ऐसे ही पानी में इन्हें सोक करना है। तो चलिए, 10 मिनट हो गए हैं,
इसकी। देखिए भल्ले कितने अच्छे से पानी में फूल गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए इनका पानी निकाल लेते हैं, ऐसे धीरे से हल्के हल्के हाथ से दबा के जो एक्सेस पानी है उसे निकाल लेंगे। देखिए सारे भल्लों को हमें इसी तरह से निकालना है। तो ये आखिरी वाला है, इसका भी पानी एक्सेस जो था वो निकल गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे भल्ले पानी से निकल गए हैं, बहुत ही फूले फूले से हैं। सो नाउ इज प्लेटिंग टाइम। यहाँ पर मैंने प्लेट ली है, तो अब इसमें हम डालते हैं अपने दही भल्ले। अच्छा, अगर आपको तुरंत नहीं बनाना है तो आपको क्या करना है, पानी से निकालने के बाद आप इसे फ्रिज में करके रख दीजिए, किसी बाउल में ढककर आप फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको बनाना है आप तब निकाल के प्लेटिंग कर दीजिए। आप गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई इवेंट्स है आप उसमें बनाना चाहते हैं, तो आप इसे फ्रिज में आराम से उठाकर रख दीजिए, जब मन हो तब बनाइए। चलिए सबसे पहले जाएगा दही। देखिए मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच शक्कर डाल के इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया था। देखिए अब थोड़ा सा पतला है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसमें। चलिए इसे डालते हैं, दही ज्यादा जाएगा, जो भल्ले हैं अच्छे से कवर हो जाए दही में, और हालांकि टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है इसमें दही का ज्यादा। तो मैंने देखिए सारे भल्लों पे अच्छे से दही डाली है। ये मेरे पास यहाँ पर दही मसाला है, इसे डालेंगे। अच्छा, इसे डालने के बाद आप बाकी चीजों को डालने की जरूरत नहीं है, जीरा या काला नमक वगैरह। अगर ये नहीं है तो आप चाट मसाला, भुना जीरा, काला नमक, ये सारी चीजें डाल सकते हैं। ये है मेरे पास हरी चटनी, तो इस तरह से। चटनी डाल दी, अब जाएगी ये हमारी मीठी चटनी, ये थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लास्ट में इसका लिंक देती हूँ, जरूर देखिए। तो देखिए खट्टी मीठी चटनी मसाला चला गया। अगर आप चाहें तो अनारदाना डाल सकते हैं, ना चाहें तो बिल्कुल मत डालिए, ऑप्शनल है। थोड़ा सा धनिया, आप चाहें तो सेव डाल दें, चाहे तो ना डालें। देखिए हमारे बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी दही भल्ले रेडी है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने फूले हैं अंदर से, ये देखिए, वाओ। क्योंकि दही भल्ले जब बिल्कुल फूले हुए रहते हैं ना तभी खाने में मजा आता है। देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार है, फूला फूला। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमारे बिल्कुल स्पॉन्जी फूले फूले से दही भल्ले बने हैं। तो ये देखिए हमारे सॉफ्ट स्पॉन्जी बिल्कुल मार्केट स्टाइल दही भल्ले रेडी है। मैंने आपको कट करके भी दिखाया कितने सॉफ्ट है अंदर से, और खाने में भी बहुत ही मजेदार चटकारेदार लगते हैं। तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।